हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। कुछ लेक्चर्स हमने कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पैनिंग सेट। पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है स्पैनिंग सेट। लेट एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी एन बी अ सेट ऑफ वैक्टर्स इन अ वैक्टर स्पेस वी ओवर एफ। द वैक्टर स्पेस वी इज स्पैंड बाय एस और द सेट एस स्पैन्स वी इफ एवरी वैक्टर इन वी इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स इन एस। अब कोई भी हमने सेट ले लिया, किसका सेट लिया? वैक्टर्स का सेट। कहाँ से? वी से ले लिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हमारा वैक्टर स्पेस वी इस पूरे सेट से स्पैन होता है, या ये पूरा सेट वैक्टर स्पेस को स्पैन कर देता है। कब? जब वी का हर एक वैक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। स्पैन करने का क्या मीनिंग होता है? एक तरह से जनरेट कर सके पूरे स्पेस को। जैसे आप लोगों ने ग्रुप वाले उसमें बुक में पढ़ा होगा कि हम कह देते थे कि ये एलिमेंट क्या कर रहा है, पूरे इस सेट को एच को जनरेट कर रहा है। तो क्या मीनिंग होता था कि ए की जितनी मर्जी पावर्स आप अलग अलग करते जाओ, मीनिंग क्या होता था कि इस एक एलिमेंट से आप एच के सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो हम बोल देते थे ये पूरा सेट इस एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। अब मेरे पास एलिमेंट की जगह क्या आ गया? ये पूरा सेट आ गया। मैं बोल रही हूँ कि ये सेट इस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि मैं इस इन वेक्टर्स को किसी से मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, कुछ भी करूँ, ऐसे करने से मेरे पास अगर वी के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो इट मीन्स ये एस क्या बन जाएगा? स्पैनिंग सेट बन जाएगा वी के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि इसका हर एक एलिमेंट अगर इन वेक्टर्स की हेल्प से आप निकाल पा रहे हो तो इट मीन्स ये वेक्टर स्पेस इस सेट से स्पैन हुआ है, ठीक है। अब जैसे वेक्टर स्पेस स्पैन होता है, अब सब स्पेस कैसे स्पैन होगा? उसके लिए बस एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, सब स्पेस आ जाएगा। हमने क्या किया, वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का कोई सब स्पेस ले लिया डब्ल्यू। तो हम बोलेंगे कि वी वन वी टू वी एन ये एन वैक्टर स्पैन करते हैं, सब स्पेस को अब स्पैन कर रहे हैं। और या फिर ये बोलेंगे कि इन वेक्टर्स का जो सेट है वो स्पैनिंग सेट है, किसके लिए? डब्ल्यू के लिए, इफ एंड ओनली इफ ईच वी आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। कि जो सेट स्पैन कर रहा है इसको W को, वो वाले सेट का हर एक एलिमेंट एक तो W के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या, ईच वेक्टर इन W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vn। कि W का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। तो हम बोलेंगे कि W क्या है, स्पैन हो रहा है इस सेट से, या ये सेट स्पैनिंग सेट है W के लिए, सब स्पेस के लिए, ठीक है। लीनियर स्पैन है। इसके बाद हमारे पास, हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एस लिया वी वन वी टू वी एन का, जो सबसेट किसका है? वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस का। देन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस, या इसको एल एस या इससे भी हम डिनोट कर देते हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो था स्पैनिंग सेट और ये है लीनियर स्पैन, ठीक है। ये लीनियर स्पैन कब बोलेंगे? इसमें एन एलिमेंट है ना, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मान लो वी वन वी वन ए वी वन प्लस बी वी टू, ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री, जितनी भी पॉसिबिलिटीज आप निकाल सकते हो लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन की, उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को एक सेट के अंदर कलेक्ट कर लो, ठीक है। और उस कलेक्शन को हम क्या नाम दे देंगे? लीनियर स्पैन। कि इस सेट के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट के, फाइनाइट सेट होने चाहिए, और ये जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को एक सेट में इकट्ठा करो और उस सेट को हम बोल देंगे लीनियर स्पैन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जनरेटिंग सेट के। हमारे पास मान लो आर थ्री है, थ्री डायमेंशनल वैक्टर स्पेस। हमने सेट क्या ले लिया, ई वन ई टू ई थ्री। ये जनरल आप लेके चलते हैं, इनको याद रख लेना, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं। स्टैंड बेसिस जब आप आगे डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है, जिसमें ई वन का क्या मीनिंग है 100, ई टू का क्या मीनिंग है 010, ई थ्री का क्या मीनिंग है 001। अगर आर टू की बात करते तो उसमें ई वन का क्या मीनिंग होता है, इसकी डायमेंशन 2 होगी ना, 2 टपल वाले सारे एलिमेंट जाएंगे। ई वन का मीनिंग है 10, ई टू का क्या मीनिंग होता 01, ठीक है। तो ये पूरा सेट क्या बन जाएगा, स्पैनिंग सेट या जनरेटिंग सेट, किसके लिए? आर थ्री के लिए। बिकॉज आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका उठा के देखो, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और यही क्या थी, डेफिनेशन थी ना स्पैनिंग सेट की। देखो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया इन्होंने आर क्यूब से, एक्स वाई जेड, इसको लिख के देखा,
लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पहले आप कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड को लिखना चाह रहे हो ना लीनियर कॉम्बिनेशन में, पहले तो आप स्केलर ए बी सी की फॉर्म में लेते हो, ले लो ए बी सी की फॉर्म में प्लस बी, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिखा, मैं थोड़ा खोल के बता देती हूँ एक बार, प्लस सी 001। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास स्केलर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी जेड, वही इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया, आर्बिट्रेरी लिखा गया तो इसके सारे एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये स्पैनिंग सेट बन गया आर क्यूब के लिए। सिमिलरली आर एन, जनरल एन के लिए भी इन्होंने यही चीज शो कर दी, 1000 फिर 010000001 अप टू ऐसे। ठीक है, इसके बाद एक डेफिनेशन है, एक थ्योरम है, और फिर दो चार एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, अब वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ लिया, अगर वो किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है, मान लो एस सेट से वो जनरेट हो रहा है, अगर एस सेट फाइनाइट है तो वेक्टर स्पेस बनेगा फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, अगर एस सेट इनफाइनाइट है तो वेक्टर स्पेस क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइट वेक्टर से जनरेट हो रहा है अगर वेक्टर स्पेस तो फाइनाइटली जनरेटेड, इनफाइनाइट से जनरेट हो रहा है तो इनफाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, जैसे हमारा पीछे हमने आर एन पढ़ा था ना, वो एन वेक्टर्स से जनरेट होता है तो वो तो फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। अब आप पोलिनोमियल्स का सेट लो, पोलिनोमियल तो हमें पता ही नहीं कितने डिग्री तक के एंड तक जाते हैं, तो इसका मतलब कि ये किसी फाइनाइट सेट से तो जनरेट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट सेट से जनरेट होगा, तो ये वाला वेक्टर स्पेस कैसा हो गया, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब एक थ्योरम देखते हैं, इन अ वेक्टर स्पेस वी एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। एल एस क्या था, लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन को क्या प्रूव करना है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है एस को कंटेन करने वाला, मतलब इसमें लिखने में तो एक लाइन लिख दी लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है। पहले तो एल एस को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एल एस एस को कंटेन कर रहा है, फिर क्या प्रूव करना पड़ेगा, एल एस इसका सब स्पेस है, तीन चीजें प्रूव करनी है, एक तो एस की कंटेनमेंट शो करनी है कि एस कंटेन होता है एल एस में, मतलब एस इज कंटेन इन एल एस, दूसरा क्या शो करना है, एल एस क्या है सब स्पेस है, तीसरा क्या शो करना है, एल एस क्या है स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, किसका वी का। ठीक है, ये तीन चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले एस हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, सबसे पहले एस को कंटेन करवाना है एल एस में, तो सबसे ईजी मेथड हमारा कौन सा होता है, किसी भी सेट को दूसरे सेट में कंटेन करवाने का, एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी यहाँ से उठाओ, यहाँ बिलोंग करवा दो, पूरा सेट कंटेन हो जाएगा इसमें, तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट किससे उठाया, एस से, वी वन उठा लिया। अब इस वी वन को मैं लिख सकती हूँ ना, वी वन इज इक्वल्स टू वी वन, लिख सकती हूँ इसको आगे ऐसे, वी वन इज इक्वल्स टू वन इंटू वी वन प्लस जीरो वी टू प्लस अप टू जीरो वी एन। ठीक है, और ये वी वन वी टू वी एन कहाँ से आ रहे हैं, ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया ना एस के एलिमेंट्स का, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं हमारे पास एस के एलिमेंट के, वो सारे कहाँ जाते हैं, लीनियर स्पैन में, एल एस में चले गए, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके इक्वल, वी वन के इक्वल, और वी वन आया कहाँ से था, एस से था, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, कहाँ बिलोंग करवा दिया, एल एस में, इसका मतलब ये पूरा सेट कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कहाँ कंटेन हो जाएगा, एल एस में, एस इज कंटेन्ड इन एल एस। ठीक है, एक काम हमारा हो गया, एस को कंटेन करवा दिया हमने, अब मुझे प्रूव क्या करना है, एल एस क्या है, सब स्पेस है वी का, सब स्पेस का सबसे ईजी मेथड क्या था, दो एलिमेंट उठाओ एल एस से, यू वी और ए यू प्लस बी वी को एल एस में बिलोंग करवा दो। अब एक चीज़ देखो, ए यू प्लस बी वी मेरे एल एस में जाएंगे कब, एल एस में कौन से एलिमेंट जाते हैं, जो एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, इसका मतलब मुझे इन एलिमेंट को इसमें बिलोंग करवाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि ये ए यू प्लस बी वी इन द एंड एस के एलिमेंट्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ये एल एस में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो U एलिमेंट मेरा एल एस से आ रहा है, एल एस का हर एक एलिमेंट कैसा दिखाई देता है, S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो U भी कैसा दिखाई देगा, S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हमने U को लिख लिया ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस अप टू ए एन यू एन, जहाँ पे यू आईज सारे कहाँ से आ रहे हैं, S से आ रहे हैं। सिमिलरली V भी एल एस से बिलोंग कर रहा है, तो V भी S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, V को मैंने कैसे लिख दिया, बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू अप टू बी एम वी एम, जहाँ पे वी आई कहाँ से आ रहे हैं, वी जे कहाँ से आ रहे हैं, एस से आ रहे हैं, और ए आई वी जे कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, अब ए यू प्लस बी भी कैलकुलेट करके देखा, जहां पे यू वन कॉमन आ रहा है यू वन कॉमन ले लो, यू टू ये सारे ये क्या है, फिर से स्केलर ही है, क्या दिखाई दे रहा है, यू वन यू टू यू एन और वी वन वी टू वी एम का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख गया, और ये यू आईज और वी जे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एस से, इसका मतलब फिर से ये क्या बन गया, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, ये था क्या ए यू प्लस बी वी, ए यू प्लस बी वी क्या बन गया, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसका मतलब ए यू प्लस बी वी कहां चला गया, लीनियर स्पैन में चला गया,
जैसे ही ए यू प्लस बी वी लीनियर स्पैन में गया, इसने लीनियर स्पैन को क्या बना दिया, सब स्पेस बना दिया। दो काम हमारे पूरे हो गए। अब क्या प्रूव करना रह गया कि एल एस हमारा स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो एस को कंटेन करता है। अगर किसी चीज़ को छोटा या बड़ा शो करना हो तो कैसे करते हैं, एक और उसके जैसा सेट या सब स्पेस एग्जिस्ट करवाते हैं। जब तक आप कंपेयर नहीं करके दिखाओगे दो सेट्स को, तब तक आप तो किसी को छोटा है किसी को बड़ा शो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मुझे एक और सब स्पेस लेना पड़ेगा ताकि मैं उससे इसको कंपेयर कर सके, इसको छोटा दिखा सकूँ। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो, हमने डब्ल्यू को और सब स्पेस ले लिया, मान लिया कि ये डब्ल्यू क्या है, एस को कंटेन करता है। अब मुझे एल एस को सबसे छोटा दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, एल एस खुद कंटेन है किस में, डब्ल्यू में। एल एस जब कंटेन हो जाएगा किसी और में तो डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, एल एस छोटा हो जाएगा। तो कंटेनमेंट के लिए सबसे इजी मेथड, आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ से उठाओ, यहाँ बिलोंग करवा दो। यू लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ से, यहाँ इसका हर एक एलिमेंट कैसा है, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो यू कैसे दिखाई देगा, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, यू आई मेरे एस से बिलोंग कर रहे हैं और एस मेरा किस में कंटेन हो रहा है, डब्ल्यू में लिखा है ना, एस डब्ल्यू के अंदर भी कंटेन है। तो इसका मतलब ये सारे यू आई कहाँ चले गए, डब्ल्यू में। और डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस है तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वो सारे कहाँ चले जाएंगे, डब्ल्यू में ही चले जाएंगे। सब स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। अब ये पूरा एलिमेंट डब्ल्यू में चला गया, आया ये था किसके इक्वल, यू के इक्वल। इसका मतलब यू कहाँ चला गया, डब्ल्यू में। यू आया कहाँ से था, एल एस से था। तो इसका मतलब एल एस कहाँ चला गया, डब्ल्यू के अंदर। तो एल एस कैसा बन गया, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। यही प्रूव करना था, बस पार्ट्स में हमने छोटा छोटा ब्रेक करके इसको प्रूव कर दिया। अब एग्जांपल्स देखते हैं। शो दैट द सेट्स 100010001 विच इज द सबसेट ऑफ वी इज इक्वल टू आर क्यूब स्पैन्स द एंटायर वेक्टर स्पेस। पीछे वाला जो अभी कॉन्सेप्ट किया था वैसा ही है। सबसे पहले एल एस को वी में कंटेन करके दिखा दो। एल एस का क्या मीनिंग, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ और वी के अंदर बिलोंग करवा दें। क्योंकि ऑब्वियसली बिलोंग करके भी दिखा के क्या करोगे कि एस किसका सबसेट है, वी का ही है। तो एस के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो कहाँ जाएंगे, वी में ही तो जाएंगे। वी तो सबसे बड़ा वेक्टर स्पेस है, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को अपने अंदर रखता है। तो इसका मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट्स है एल एस होता है वो, और वो वी कहाँ चला जाएगा, वी में चला जाएगा। बाय डेफिनेशन ही पहुँचा दिया हमने। ठीक है, नहीं तो यहाँ से एक बार देख लेना, इन्होंने ऊपर नोट में प्रूव करके दिखाया। अब मेरा काम क्या रह गया, मुझे एल एस को किसके इक्वल शो करना था, वी के इक्वल। एल एस मेरा वी में तो कंटेन हो गया, अब क्या करना रह गया, वी को एल एस में कंटेन करना रह गया। आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी से लो, एल एस के अंदर बिलोंग करवा दो। वी से लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, अभी मैंने पीछे लिख के दिखाया था। तो यहाँ से ये किसके एलिमेंट हैं, एल एस के हैं, एस के हैं। तो एस के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वो सारे कहाँ चले जाएंगे, एल एस में चले जाएंगे। ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ चला गया, एल एस में। ये है किसके इक्वल, इस एलिमेंट के इक्वल। ये एलिमेंट कहाँ चला गया, एल एस में। आया कहाँ से था, वी से था। तो वी कहाँ चला गया, एल एस में। वी किसके इक्वल हो गया, एल एस के इक्वल। तो इसका मतलब इस पूरे सेट ने इसको वी को स्पैन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रूव करना है दिस, ये तीन सेट, तीन वेक्टर्स का सेट दिया हुआ है, शो करना है कि ये वी थ्री को करते हैं स्पैन। सारा वैसा ही काम है बस। सबसे पहले क्या किया, एल एस तो हमें पता ही है हमेशा वी थ्री में जाएगा ही जाएगा, वो पीछे वाले नोट से एक बार देख लेना दोबारा से। मेरा मेन काम क्या है, वी थ्री को एल एस में बिलोंग करवाना। आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी थ्री से लिया एक्स वाई जेड। अब एल एस में बिलोंग करवाने के लिए एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। एक्स वाई जेड को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा और ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जब तक ए बी सी की वैल्यू नहीं आएगी तब तक तो आप कह नहीं सकते कि ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली एक्स वाई जेड की फॉर्म में। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये कैलकुलेशन का काम है, ये आप लोग करके देख लेना एक बार। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ये एक्स वाई जेड इन तीनों एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बन गया। और ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाते हैं, एल एस में जाते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला है किसके इक्वल, एक्स वाई जेड के इक्वल। एक्स वाई जेड फिर से कहाँ चला गया, एल एस में चला गया। एक्स वाई जेड कहाँ से आया था, वी थ्री से। वी थ्री कहाँ चला गया, एल एस में। एल एस वी थ्री में कंटेन होता ही है, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वी थ्री किससे जनरेट हो गया, एस से। ये वाला आप अपने आप देखोगे, मैं एक बार ये वाला बता देती हूँ और इससे अगले वाला आपकी एक्सरसाइज ख़त्म है। वी कोई भी वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ओवर आर। एस हमने ये सेट ले लिया तीन वेक्टर्स का,
फाइंड लीनियर स्पैन ऑफ एस दैट इज दिस जनरेटेड सेट, और पहले तो ये जनरेटेड सेट दिखाना है कैसे दिखाई देगा। हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी से लिया, वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख के देखा, सिंप्लीफाई करके ये ऐसा बन गया, तो हमारा जनरेटेड सेट कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देगा। अब चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, अगर ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है तो ये वाला एलिमेंट ऐसा दिखाई देगा, ये वाला एलिमेंट किसी ना किसी ए बी सी के लिए इसके इक्वल जाएगा। अब ये दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइक पावर वाले कॉफिशेंट सेम होंगे। एक्स क्यूब का यहाँ सी है, यहाँ थ्री है, तो सी थ्री के इक्वल आ गया, और एक्स स्क्वायर का यहाँ बी है, वहाँ जीरो है, तो बी जीरो के इक्वल आ गया। एक्स का यहाँ पे ए है, यहाँ टू है, तो ए टू के इक्वल आ गया, और यहाँ से बी माइनस सी किसके इक्वल आ गया, कॉन्स्टेंट वाला जीरो के इक्वल, तो यहाँ से क्या बन गया, बी सी के इक्वल आ गया। लेकिन क्या बी सी के इक्वल है, जीरो थ्री के इक्वल है, नहीं है ना, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इस जनरेटेड सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वेक्टर स्पेस दिस यू वी डब्ल्यू हमें दे दिया और टी दे दिए, हमें शो करना है यू कॉमा वी से जनरेट होने वाला ये सेट, ये इनर प्रोडक्ट मत मानना इसको, यू और वी से जनरेट होने वाला सेट और डब्ल्यू और टी से जनरेट होने वाला सेट, ये दोनों सेट आपस में अनइक्वल है। ठीक है, हमने पहले कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया इससे, यू और वी से जनरेट होने वाले सेट से, जो सेट इससे जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट कैसा दिखाई देगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो एक्स कैसा दिखाई देगा, यू वी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। और हमने नॉट इक्वल दिखाना ना, हमने मान लिया कि एक्स मेरा इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है और वही एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब फिर एक्स क्या बन जाएगा, डब्ल्यू और टी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो x मेरा ऐसे भी लिखा जा सकता है, अभी मैंने बोला कि x ए यू प्लस बी बी के इक्वल है, यहाँ बोल रही हूँ x सी डब्ल्यू प्लस डी टी के इक्वल है, इसका मतलब ए यू प्लस बी बी किसके इक्वल होगा, सी डब्ल्यू प्लस डी टी के इक्वल। यू वी और डब्ल्यू टी की वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है स्टेटमेंट में, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इन दोनों को जब इनको आपस में सॉल्व करोगे हमारे पास क्या आएगा, एक जगह से ए की वैल्यू निकाली, एक जगह से बी की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर फोर्थ इक्वेशन में पुट करके देखा, मैंने बताया मैंने जब भी आपके पास दो इक्वेशंस को यूज़ करके किनी वेरिएबल की वैल्यू आए तो, और एक इक्वेशन अनयूज्ड रह जाए, तो उस फाइनल वाली इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मीन्स वैल्यू सही है, या नहीं होती तो गलत है। ए बी की वैल्यू उसमें पुट करके देखी सी डी की फॉर्म में, और चेक करके देखा कि क्या ये लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने में इसके इक्वल आ रही है, कैलकुलेट करके देखी हमने, वो तो आ नहीं रही राइट साइड के इक्वल। इसका मतलब क्या दिक्कत आ गई हमारे पास, कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है ना, क्योंकि जब दो इक्वेशन सेटिस्फाई हैं तीसरी तो हो नहीं रही, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने सेम एलिमेंट उन दोनों सेट से ले लिया, सेम एलिमेंट मैंने ले लिया डब्ल्यू टी से जनरेट होने वाले सेट से, और वही एलिमेंट मैंने ले लिया यू वी से जनरेट होने वाले सेट से, इसका मतलब इन दोनों में सेम एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। सेम एलिमेंट अगर बिलोंग नहीं करता तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट बिलोंग करते दोनों से तो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं, सेम एलिमेंट तो बिलोंग कर नहीं रहे, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग सेट हैं। ठीक है, आज काफ़ी सारा काम करवा दिया स्टूडेंट, इसको ध्यान से अपना स्लो स्पीड करके, जैसे आप देखना चाहो, पार्ट्स में ब्रेक करके देखना चाहो आज वाली वीडियो तो पार्ट्स में ब्रेक करके देख लेना, देखना ज़रूर, इंपॉर्टेंट है ये, आगे बेस ही आपका तैयार हो रहा है आगे वाले चैप्टर्स के लिए। अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।